देवी और सज्जनों, निर्णय की घड़ी आ चुकी है। हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि टिकटॉक को श्रद्धांजलि देने का वक्त आ चुका है। लेकिन आज का स्ट्रीम हम बस टिकटॉक जो है उसके कुछ कुछ रत्न उनको देखेंगे, उनको श्रद्धांजलि देंगे, उनको गुड बाय बोलेंगे। इस श्रद्धांजलि देने में साथ मौजूद है मेरे अच्छे मित्र निशांत सिंह तन। निशांत जी, वैसा कैसा लग रहा है आपको? थैंक यू। सदमे में हूँ मैं, बहुत ही दुखद खबर है। मतलब कल तो देखा तो एकदम सही था, बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था, एकदम बढ़िया। बस आज सुबह और बस कुछ घंटों में अभी देखिए क्या से क्या हो गया। हाँ, मतलब पता ही नहीं चलता आजकल तो किसी का क्या मतलब। गाइस, इफ यू ट्रूली लव समवन, गो टेल देम नाउ बिकॉज़ यू डोंट नो व्हेन दे विल गेट बैंड। निशांत जी, क्या आप तैयार हैं? पहले टिकटॉक पे बढ़ते हैं। ये इसका नाम है अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट इन क्यूट कपल टिकटॉक मस्ती। ये लास्ट वाला क्लिप अगर कोरोना के बाद का था तो सही है। हाँ, फेर है। हाथ लगाया मैं जो बिस्लरी के पानी से धो लिया। वॉशरूम के बाहर खड़े थे क्या ये लोग? पता नहीं क्या था। क्या था? समझ में। क्या है, मेरे को समझ में नहीं आया इसमें। मुझे नहीं पता, पर मुझे इस गाने के बारे में पूछना था। उसमें कहीं एक लाइन में लुल्ली बोलता है क्या वो? क्या मुझे ही सुनाई देता है? लुल्ली इन दिस सॉन्ग। लुल्ली तू। I knew it. लुल्ली तू। This is why I call you. You are lully detector. No, I'm a lully rider and lully pro. क्लाइमेक्स आएगा इसमें अब्बास मस्तान वाला। ये भी अंधी है? नहीं, ओ भाई साहब, ओ ये तो माँ बाप, ये अंधा है, उसको पता भी नहीं कि ये प्रपोज कर रही है। हाँ, और उसको इतना प्यार है इससे कि क्योंकि वो अंधा है, जब इसको पता चला इतना प्यार करती कि उसने अपने आंखों पे पट्टी बांध ली कि मुझे भी नहीं दिखता अब हम बराबर है। आपने देखा है कि बहुत लोगों को अक्सर रस्ते के बीच में लेस बांधना बहुत पसंद है। नहीं नहीं, यही पे पॉज करके रखो और एक बात और नोटिस कर कि उस भोसड़ी के जूते में लेस है ही नहीं। देख, कम से कम इतना होमवर्क तो कर लो बे। तेनू एक एक प्यार कर दी मैं तो सोने तेरे ते मर दी। तेनू एक एक प्यार कर दी तेनू चढ़ के चुबर तक दी मेरी अखा में। बॉलीवुड में वो तीसरा आइटम नहीं होता था जो दो प्यार करने वालों को मिलाता था। तो दिल्ली में एक बंदा है जो रोज बैग टंगा के मेट्रो में जाता है और ऐसे दो प्यार करने वालों को मिलाता है। निशांत, उस मिलाने वाले का नाम होता है he's a provider। मुझे मैं और हम में फर्क बताने के लिए तेरा शुक्रिया। ए बेवफा, एक दिन अचानक सब खत्म करने के लिए तेरा शुक्रिया। ये एक सेकेंड, तूने कभी टिकटॉक यूज किया है क्या? हाँ हाँ, मैंने यूज किया है। तो उसमें कुछ ऐसा होता है क्या कि लास्ट का 3 सेकेंड नॉर्मल फ्रेम पे नहीं चलता, वो अपने आप स्लो मोशन में फिर आए बिना बात के? भेंचोद, क्या था? ए बेवफा, एक दिन अचानक सब खत्म करने के लिए तेरा शुक्रिया। ये क्या था? ये ऐसे कौन सैड होता है? ये डैब वाला सैड है। हाँ, ये डैब वाला सैड है गाइस। नॉर्मल सैड इज डैब वाला सैड इज। सर, इसका नाम टिकटॉक, इसका नाम भेंचोद जहर क्यों नहीं था सर? दोनों भेंचोद पुलिस पकड़ के ले जाएगी। चूती है ऐसे। एक तो उसने पहले से भीगा हुआ जैकेट किसी और के ऊपर डाल दिया, उससे घंटा बारिश रुक रही है, और साइड वाले बंदे ने इसका फायदा उठा के झप्पी मार। इसे कामसूत्र में कहते हैं टैक्सी आसन।
मैं जैसा हूँ नहीं वैसा बताया गया है, मैं पागल था नहीं पागल बनाया गया। सारी उम्र मैं जो बड़ी। तो आई विल टेल यू, इस वाले में ये मेटाफोरिकली अंधा है। ये जो कर रहा है ना, इसके लिए जो इसने पूरा टिकटॉक पे ना, इसको बेंचर दिलाना बोलते हैं। बढ़िया अंधा है क्या? हाँ ये क्या बेंचर कि हम बुरे इंसान बन गए इतने ना, नकली अंधे लोगों का वीडियो देख देख के। ये क्या है यार, कि अंदर से सिंपैथी कम हो गई है या तो आंखें अगर आपकी चल रही है आपको अलाउड नहीं है टिकटॉक पे। हाँ और सबसे बुरा लग रहा है अंधे लोगों के लिए कि उनको पता ही नहीं कि भैंस उनका यूज कर रहे हैं ये लोग। देख भाई मेरी ये नहीं गर्लफ्रेंड, तेरी गर्लफ्रेंड कहाँ गई? मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के वो दूर चली गई। क्यों भाई कहाँ चली गई? अरे वो कहते हैं ना कि अगर तुम्हारा प्यार तुमसे दूर जाए तो उसे जाने दो, अगर वो लौट के आ गया तो वो तुम्हारा है, अगर वो लौट के ना आए तो तुम्हारा कभी था ही नहीं। सच में ये मेरा नहीं था। ये तीनों साथ में क्यों गिर गए? बाकी सब तो ठीक है, जो इन्होंने सिंक्रोनाइज किया ना उसके 10 out of 10। हाँ 10 out, सुपर्ब था ये सिंक्रोनाइजेशन, ये बहुत जबरदस्त था। ये बंदा सैड क्यों है? उसको तो नई गर्लफ्रेंड मिल गई ना। हाँ नहीं नहीं, पर अभी उसको पता पड़ा कि ये तो इसकी थी और अब वो फिर से उसके पीछे चले। और ये क्यों सैड है? इसको तो बेंचो दो दो प्रोवाइडर मिल गए। हाँ ये पकड़ी गई है इसलिए सैड है। वाओ, एक साथ 5 second, 5 second में इतनी कहानी बयां करना, करेक्ट? ये आर्ट है जो हम हमारी हमारी जिंदगी से जाने वाला है। सूरज बजाता तो सुसाइड कर ले देख के। ये भी आता है वो भेड़ की। मुझे ब्रेक चाहिए, 1 second के लिए रुक जाओ। एक सेकेंड मैं बोल रहा हूँ शांत, मैं मुझे पता नहीं मेरे अंदर क्या फीलिंग्स आए हैं। ये इनको अंधों के खिलाफ क्या है बेंचो, ये क्या चल रहा है? मैंने एक चीज रियलाइज की है कि आप ना कभी भी अंधे बन सकते हो ऐसे रास्ते पे। ये क्या चल रहा है? ये टी शर्ट पे शेड लटका रखे तू बेंचो, काहे का अंधा है? अंधा बहरा भी है क्या? अभी उसे थप्पड़ मारा उसको सुनाई नहीं दिया। जितना आयुष्मान खुराना पूरे अंधाधुंध पिक्चर में भैंचो टोटल अंधा नहीं था, उससे ज्यादा तो टिकटॉक की है जो एक एक कंपाइलेशन में लोग अंधे में। इसमें उल्टा हुआ। My love, इससे बाद में बात। ये क्या था? ये क्या था? एक सेकंड। एक मिनट मैं बताता हूँ। हाँ तो ये जो लड़का है ना, हाँ ये अंधा है। ओके। और वो रोने भी लग गई, माँ कसम। क्या करिए? फोन चेक कर लिया उसका। हाँ उसने फोन देखा, फोन पे नाम देखा, माय लव। ओ पापा का नाम क्या तेरे फोन पे? माय लव। My love, comma, provider, rider. ने किया सुने धरा धरा शिकस्त ही हुआ। मैंने एक चीज तो समझ ली है, फेमिनिज्म, वुमेन राइट्स, ये सब टिकटॉक तक नहीं पहुंचा है। नहीं। देखा उसके फोन पे टिकटॉक है। बाइक पे बैठे थे। ओह,
पहली बात ये इसको मिर्गी के दौरे पड़े, इसको जुराब सुंगाओ। मैं समझा नहीं ये क्या क्या चक्कर बनाया इसने? तो बाइक का साइड स्टैंड पे खड़ा था और उस पे दो लोग बैठे हुए थे। अगर तुम्हें ये नहीं पता, बहुत ही बेसिक है, सेवेंथ क्लास में साइंस के सेकंड चैप्टर में पढ़ाते हैं कि बाइक के साइड स्टैंड पे नहीं बैठते। करेक्ट। तो वो दो खड़े थे और वो आके बोला, जिसकी बाइक थी वो बंदा, उसकी हिम्मत हो गई आके इसको बोलने की कि मेरी बाइक के साइड स्टैंड पे मत बैठो। और ये उसके से हटे और इनकी दोनों की भोसड़ालों की बाइक साइड में खड़ी थी। और फिर उसने ये शक्ल बनाया, ये क्या शक्ल है? ये उसको डराने के लिए मैं ऐसे, ये जोकर मीम। फिर से मुंह बनाएगा। और इस तरफ से आएगा वो। अरे मेरी गांड फट रही है, माँ कसम गांड फट रही है। इसका हर वीडियो का पंचलाइन ये मुंह है। हाँ कुछ भी होता था। Guys, does someone know what the fuck is this all about? Why is this so special? बाकी लोग भी करते हैं। We were just here today to pay our respects to the dying art of TikTok. Yeah. And I believe maybe the very last day. Maybe the very last day. On that note, Nishant, thank you for joining me. TikTok okay. हमेशा हमारे साथ ही है, हमारे इर्द गिर्द है, हमारे दिल के अंदर है, कहीं नहीं गया। अंदर है, कहीं नहीं जाएगा TikTok. और अगर आप दुखी हो तो don't worry, TikToks will live on forever. और कोई ना कोई platform आ ही जाएगा। किसी एक TikToker को target नहीं करना। I don't want it to be like that. I don't want. और मुझे टू बी ऑनेस्ट जनता जाके बुली करेगी उनको, मैं वो नहीं चाहता। बुली इज बैड, बुली इज बैड, डोंट डू बुली, ओनली राइड एंड प्रोवाइड।